हाँ जी बेटा, एक्सरसाइज 7.2 मेरे पास तो है, और क्वेश्चन नंबर 34 जो कल हमने क्वेश्चंस रह गए थे उनमें से, बाकी सब तो सिंपल है, ये भी सिंपल है, बट इसमें थोड़ा सा हमें अरेंजमेंट करना पड़ता है। मेरे पास स्टेटमेंट है √10x जो है ओवर मेरे पास जो है sin x cos x dx। अब आपको पता है, देखो मुझे कैसे पता चला कि इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना है। द प्रॉब्लम इज रूट के अंदर 10x है, तो ऑब्वियस है मैं 10x को कुछ ना कुछ सब्सिट्यूट करूं जो मेरे माइंड में चलता है। अब अगर 10x को कुछ पुट करना है तो उसका डेरिवेटिव होता है sec² x, तो मुझे sec² x चाहिए साथ में, तो उसके लिए मेरे पास सिर्फ 1/sec 1/cos है, मतलब सिकेंट है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ 10 बनाती हूँ, यानी कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड किया, ठीक है, ये मल्टीप्लाई किया ये डिवाइड किया, उसका बेनिफिट क्या हुआ, देखिए ये √10x हो गया और ये 10x हो गया और ये 1/cos² इट कम आउट टू बी sec². मुझे यहां से पता चला कि मुझे कॉस एक्स से डिवाइड और मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। अब मैं जो है इसको करूं तो 1/10x और ये sec² x dx ऐसे करूं, ठीक है ना, क्योंकि 10x भी √10x, √10x एक कट गया तो यही बचा मेरे पास। अब पुट कर लीजिए, पुट 10x = t, तो मेरे पास जो है sec² x = dx = dt। ओके बेटा, तो अब सब कुछ मेरे पास एडजस्ट हो जाएगा। हम इसको आई ले लेते हैं, तो दिस कम आउट्स टू बी मेरे पास जो है dt, क्योंकि इस सारे की जगह dt और √t, √t को आई कैन राइट t⁻¹⁔ dt। अब आगे तो आप कर ही सकते, मेरे पास जो है दैट इज t की पावर एक इंक्रीज हो गई ओवर द सेम पावर 1/2 + c, और t को वापस 10x पुट कर दीजिए। ओके बेटा, यहां पर हम वो भी लगा सकते थे, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव ना करो सब्स्टिट्यूट, तब भी हो जाएगा क्वेश्चन क्लियर। बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, चले बेटा आगे हम लोग। यस सुखमन, यस बेटा, मैम एक क्वेश्चन नंबर 39 है, उसमें भी डाउट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं बेटा हम लोग, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 39। चलिए अब बेटा मेरे पास तो है क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है, दैट इज इंटेग्रल dx ओवर मेरे पास तो है sin² x cos² x मेरे पास। फिर वही बेटा, अगर 1/ मैं यहां पर देखूं cos² तो अगर मैं tan का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो प्रॉब्लम है मेरे लिए, क्योंकि cos² ऑलरेडी है मेरे पास। जब cos² ऑलरेडी है, मैं उधर cos² से मल्टीप्लाई, cos² से डिवाइड करूं, tan² बनाऊं, तो यहां पर मेरे पास cos की पावर 4 हो जाएगी, तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा ना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपको पता है ऊपर कुछ नहीं है, 1 है ना, मैं 1 की जगह पे क्या करूं, मैं sin² x + cos² x लगा सकती हूँ, उसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए मैंने sin² x + cos² x लिख दिया। ओके, अब मैंने दोनों को सेपरेट कर देना है इसके साथ, उसका बेनिफिट देखिए, जब मैं sin² x के साथ ये सेपरेट करूंगी, sin² कैंसल, मेरे पास 1/cos² बचा, तो ये sec² x बन। ओके जी, अब जब मैं इसको इसके साथ करूंगी, ये कट गया, मेरे पास 1/sin² बचा, तो वो क्या बन जाएगा, कुछ sec² x dx यही बना ना। अब इंटेग्रल अलग, sec² x का इंटेग्रल आपको पता है 10x होता है, और कुछ sec² x का आपको पता है -cot x होता है, और प्लस सी बस। अब आंसर क्योंकि MCQs हैं, अब इसमें हमारे पास आंसर नहीं है, cot 10 नहीं है,
तो मेरा आंसर जो होगा दैट इज बी ऑप्शन। ओके बेटा, क्लियर सुखमन? हाँ जी बेटा। मैम, इसमें हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करके साइन 2x का होल स्क्वायर नहीं बना सकते हैं? वो भी बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि वैसे करना है, बिल्कुल डबल एंगल में करना है तो आप उसमें, क्योंकि मैंने देखा कि आंसर में डबल एंगल नहीं था। अगर एमसीक्यू टाइप पेपर में तो एमसीक्यूज नहीं आएंगे आपको, तो आप जिस मर्जी मेथड से कर लो। हम ऐसे भी कर सकते हैं, इंटेग्रल 4 से मैंने बाहर डिवाइड किया, जब 4 से अंदर किया तो मैंने साइन एक्स कॉस एक्स का ये स्क्वायर कर लिया, तो ये 4 इंटेग्रल ये मेरे पास बन गया साइन 2x स्क्वायर, है ना। तो 1/sin² जो है मेरे पास क्या होता है, कोसेकेंट जो है इंटेग्रल कोसेकेंट स्क्वायर 2x। आप ऐसे भी कर सकते हो, और कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का आपको पता है कि मेरे पास कॉट 2x, क्योंकि एक्स के आगे 2 है तो 2 से डिवाइड प्लस सी, ये भी आंसर हो सकता है। मैंने आगे भी ये बताया था कि सुखमन ये डिपेंड करता है कि हम हाफ एंगल में मतलब सिंपल एंगल में दे रहे हैं या डबल में, आंसर इसीलिए वेरी कर रहा है और कुछ नहीं। अगर एमसीक्यू टाइप है तो हम अपनी मर्जी से अपना मेथड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट होगी। ठीक है, अगर सिंपल है तो आप जिस मर्जी मेथड से कर लो, आपका आंसर करेक्ट ही माना जाता है। ओके, ठीक है जी। चलिए, एनी अदर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज बेटा 7.2? एनी अदर प्रॉब्लम इन एक्सरसाइज 7.2? ओके, चलिए बेटा, नाउ लेट अस डू एक्सरसाइज जो है 7.3। बिफोर डूइंग एक्सरसाइज 7.3 वी हैव टू डू बेटा सम, वी हैव टू राइट सम नोट्स। उसका बेनिफिट क्या होगा आपको क्वेश्चन करते हुए पता चलेगा। लेट अस डू, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पर करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस करने। ओके, तो यहाँ पर मैंने अपने माइंड में क्या क्या रखा हुआ है इन क्वेश्चंस को करने के लिए, लेट अस सी। अगर मेरे पास अकेला साइन है और उसकी कुछ पावर, मुझे नहीं पता कि पावर कैसी है, पावर इवन भी हो सकती है, पावर ऑड भी हो सकती है, बस दो ही होती है ना हमारे पास, लेकिन वो होगी पॉजिटिव। मैं बात कर रही हूँ पॉजिटिव इवन पावर की, पॉजिटिव ऑड पावर की। अगर तो बेटा मेरे पास जो है एम यहाँ पर पॉजिटिव, मेरे पास जो है ऑड इंटीजर है, मैंने अपने माइंड में ये रखा हुआ है। अगर एम मान लो 7 है, 9 है, 5 है, 3 है, तो आपको क्या अपने माइंड में रखना है कि पुट कॉस एक्स को टी पुट कर दो, अपने आप देखना वो एडजस्टमेंट हो जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे मान लीजिए साइन क्यूब, क्यूब की बजाय 5 ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। तो मैं यहां पर पावर ऑड आई तो मैंने क्या करना है, साइन स्केयर अलग कर दिया और एक साइन एक्स अलग कर दिया, ठीक है ना। अब साइन स्केयर एक्स को आई कैन राइट 1 - cos² x। अब देखो, अब अपने आप यही मेथड लगेगा कि पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस का डेरिवेटिव मेरे पास हो गया माइनस साइन dx इज इक्वल टू डी टी, ये अपने आप एडजस्ट हो जाना है, और यहाँ 1 - t² और बाहर नेगेटिव। मतलब ये चीज मैंने अपने माइंड में सेट की, अगर ऑड पावर है तो क्या करना है, साइन है तो कॉस पुट करना है, कॉस है तो साइन पुट करना है, अपने आप वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इवन पॉजिटिव पावर है, अगर एम जो है मेरे पास इवन जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो बेटा डबल एंगल यूज करना है, बस डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर। ये चीजें मैंने अपने माइंड में सेट की हुई है इंटीग्रेशन करने। ऐसे ही कॉस का उल्टा मेरे पास हो गया, अगर कॉस पावर एम एक्स डी एक्स है, अगर फिर वही एम पॉजिटिव ऑड है मेरे पास, ठीक है ऑड इंटीजर है, तो आप क्या करोगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, लेकिन
अगर मेरे पास m की वैल्यू पॉजिटिव इवन है तो फिर वही बेटा आप क्या करोगे, यूज डबल एंकल फॉर्म। ओके जी, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलें आगे। ठीक है, अब ये तो साइन कॉस का हो गया, ऐसे ही सीकेंट का, कोसीकेंट का, टैन का नहीं होता, टैन में आए तो हम उसको चेंज ही करते हैं। ठीक है, सीकेंट को सीकेंट का तो हो सकता है ना, तो लेट अस डू। अब देखिए जरा, अगर मेरे पास नेक्स्ट नोट है, इफ आई एम हैविंग जो है सीकेंट पावर एन एक्स डी एक्स, और मेरे पास जो है ये जो पावर है, मान लीजिए कि अगर इवन है, एन जो है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पर बेटा हम टेन एक्स को टी पुट करेंगे। सेम कोसेकेंट में अगर मेरे पास इंटेग्रल कोसेकेंट एन पावर ऐसे है, ऑड होगा ना तो उसके लिए अलग क्रिटेरिया, तब नहीं ऐसे हो सकता। अब मेरे पास है कोसेकेंट की पावर एन एक्स डी एक्स, तो अब हम क्या करेंगे यहां पर जो है n इज इक्वल टू, अगर मेरे पास इवन पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, तो पुट cot x इज इक्वल टू t। क्लियर बेटा? पुट cot x इज इक्वल टू t, उसके बाद अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट, अगर साइन cos इकट्ठे हो तो क्या करना, ये मैंने आगे भी आपको बताया था। सपोज मेरे पास जो है नेक्स्ट है साइन की पावर एम एक्स कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, साइन की कुछ पावर है, कॉस की कुछ पावर है, ठीक है, लेकिन यहां पर जो कंडीशन, मान लीजिए कि मेरे पास यहां पर मुझे एन का कुछ नहीं, मैंने बस ये देखना है कि अगर एम मेरे पास जो है ये ऑड, मतलब साइन की पावर ऑड है, तो उल्टा हमने स्टार्टिंग में भी किया था ना, वेयर एम इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो बेटा आप क्या करोगे, पुट कॉट एक्स इज इक्वल टू टी, जिसकी ऑड है ना पावर, एक ही चीज होगी ना, या तो दोनों ऑड होंगे, एक ऑड एक इवन, या दोनों इवन होंगे। अभी मैं वो केस बता रही हूं जिसमें मेरे पास एक ऑड है, मींस एक की पावर ऑड है, मुझे दूसरे का कोई लेना देना, साइन की पावर ऑड है तो कॉस को पुट कर दो, कॉस की पावर ऑड है तो साइन को पुट कर दो। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है ना, अगर यहां पर नेक्स्ट में मैं कहती कि एन यहां ऑड होता तो आप किसको पुट करते, साइन एक्स को टी पुट करते। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, मेरे पास जो है अगर दोनों एम और एन दोनों इवन है, इवन में तो याद ही रख लो दोनों में डबल एंगल फॉर्मूला लगा, मतलब मान लीजिए जैसे साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, तो क्या करोगे यहां पर दोनों को जो है दोनों में डबल एंगल फॉर्मूला लगा। ओके, यहां तक सबको समझ आ गया चारों को बेटा? तेगवीर, कार्तिक, राणा, रसिका, क्लियर टू यू? चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूं, इसी का आगे है मेरे पास, अगर दोनों की पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी का भी इसमें क्वेश्चन हुए मेरे पास, अगर मेरे पास जो है इसमें इसी वाले केस में बता रही हूं, मेरे पास एम प्लस एन करूं तो बेटा वो नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहे, नेगेटिव बने लेकिन इवन इंटीजर बने, अगर ऐसा हो तो हमने क्या करना है बेटा, तब पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी, यहां क्लियर, यहां पर टेन एक्स आप टी पुट करो,
अब इसका एक क्वेश्चन करें, मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसा। आपकी एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 19th, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 7.3 का, मेरे पास है इंटेग्रल 1/sin x cos जो है मेरे पास qx dx। अब देखिए एक्चुअल में तो इसकी पावर साइन की पावर -1 और कॉस की पावर मेरे पास -3 dx है। -1 -3 -4 हुआ, नेगेटिव इवन इंटीजर हुआ, हुआ ना m+n, दैट इज -4। तो अब हम क्या पुट करेंगे, tan x को t पुट करेंगे। अब देखना कैसे, पुट tan x इक्वल्स टू t secant square x dx दैट इज इक्वल्स टू dt, है कि नहीं। तो यहां पर बेटा आप देखो कैसे अरेंजमेंट करेंगे, लेट अस सी हाउ टू डू द अरेंजमेंट। यहां पर जोड़े हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले secant square बनाने के लिए मैंने बेटा यहां पर tan x मेरे पास जो है cos square x अलग कर दिया, cos x अलग कर दिया, dx ये जाएगा ना secant square, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब मुझे यहां tan चाहिए, cos से डिवाइड, cos से मल्टीप्लाई हो गए, ये तो secant square बन गया, ये tan बन गया। अब इसको क्या करूं, ये भी secant square है, जब secant square को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1+tan² लिख सकती हूँ। देखो देखो मैंने सारा कुछ tan में एडजस्टमेंट कर दिया। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता कि अगर वो नेगेटिव इवन आ रहा है तो tan x t पुट करना है, वो नहीं कर पाएगा क्वेश्चन को। अब मैं पुट करूंगी मेरी सारी अरेंजमेंट होगी, व्हेन आई पुट द वैल्यूज हियर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ये secant square x और dx की जगह पे dt, और मेरे पास जो है 1+t² / t, ये बता ना। अब इसका इंटीग्रल क्या करेंगे हम लोग, व्हाट वी हैव टू डू, इंटीग्रल ये t की पावर -1+t और दिस इज dt। अब इसका इंटीग्रल के लिए 1/t का इंटीग्रल आपको पता है log mod t plus t का t² / t 2+c। अब t की वैल्यू दोबारा पुट कर दो बेटा लीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि उसमें क्या पुट करना है तो आप सम नहीं कर पाओगे एग्जाम। मैंने भी ये नोट्स अपने दिमाग में रखे होंगे कि मुझे क्या करना है और कैसे इंप्लीमेंट। ओके बेटा, सबको बात समझ आई है यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको नोट जो लिखवाया था उसके रिलेटेड मैंने आपको सारा बताया कि कैसे कर। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो, लेट अस डू द क्वेश्चंस, ठीक है। यही नोट थे इस एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइज आइडेंटिटी पर बेस्ड है और ये आपको 3-4 नोट्स बहुत हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज को कर। बस एक ही चीज हमने याद की हुई है कि क्या करना है हमने, अगर साइन कॉस इकट्ठा है और जिसकी पावर ऑड है ना उसको नहीं पुट कर, उससे दूसरे को पुट कर। बस अगर साइन कॉस दोनों इवन है तो क्या करना है, दोनों ही इवन है तो दोनों में डबल एंगल फॉर्मूला लगा दो, और दोनों का अगर सम करके नेगेटिव पावर आ रही है तो क्या करेंगे हम, नेगेटिव पावर आ रही है तो कुछ भी नहीं, हमने उसके अकॉर्डिंगली जो है tan x को t पुट कर देना और डेरिवेटिव एडजस्ट करना। यही चार कॉन्सेप्ट है ना इसमें, तो लेट अस डू, अब आपको ज्यादा पता चलेगा, ठीक है। सिर्फ चार ही कॉन्सेप्ट है जो इस ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट मेरे पास होंगे एक्सरसाइज 7.3, फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रल साइन स्केयर 2x + 5, स्केयर आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था साइन की पावर इवन आ जाए तो डबल एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या डबल एंगल फॉर्मूला होता हमारे पास, 1 - cos डबल ऑफ द एंगल,
जब डबल ऑफ दी एंगल करेंगे तो ये बना बाय टू। अब ये तो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, ये पता होना चाहिए। अगर कॉस स्क्वायर हो तो वन प्लस कॉस, और ये dx, अब ये वन बाय टू तो बाहर ही ले लो। अब वन का इंटीग्रल x माइनस कॉस का इंटीग्रल साइन दिस, और साथ में x के आगे फोर लगाए तो फोर से डिवाइड प्लस से। समझ आई बेटा बात सबको? क्लियर, पता चला कि हम क्या कर रहे हैं? जो मैंने चार रूल्स बताए इस एक्सरसाइज के, कैसे यूज किया मैंने, चले आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेरे पास जो है ये रूल मैं पहले ही बता सकती थी आप लोगों को स्टार्टिंग में, कि साइन 3x कॉस 4x, ये साइन कॉस दोनों अलग अलग एंगल्स के, क्या करें यहां पर बेटा हम लोग, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, टू साइन ए कॉस बी। हाँ जी, अब इंटेग्रल के फॉर्मूले से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी आने थे। साइन माइनस साइन होता है ना, टू साइन मेरे पास हो गए तो हम करते हैं साइन दिस प्लस दिस सेवन एक्स माइनस साइन दिस माइनस दिस किया तो माइनस एक्स बचा डी एक्स। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, लो जी प्लस बना दी। ओके, तो वन बाय टू जो है, अब क्या करें इंटेग्रल अलग अलग ले लो, ये लीजिए वन बाय टू इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स। हाँ जी, वन बाय टू साइन एक्स का इंटेग्रल माइनस कॉस एक्स बाय सेवन ना, क्योंकि एक्स के आगे सेवन, फिर वन बाय टू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस। क्लियर, सबको बात क्लियर है? एनी डाउट टू एनी वन? हाँ जी रसिका, राणा, तेगवीर, कार्तिक, कोई डाउट है बेटा? चले बेटा आगे। चलिए चलिए बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। उसमें यहाँ दो ट्रिग्नोमेट्रिक थी ना, वो थ्री है, तो कोई बात नहीं, पहले दो को लेके सॉल्व कीजिए एनी ऑफ टू, और उस पर फॉर्मूला लगा दीजिए, फिर ओपन कीजिए, फिर दोनों को कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटेग्रल साइन क्यूब मेरे पास जो है टू एक्स प्लस वन, आपकी मर्जी है, चाहे आप साइन थ्री थीटा से साइन क्यूब की वैल्यू पुट कर दीजिए, वो भी कर सकते हो आप, नहीं तो आज की जब मैंने बताया कि अगर साइन की पावर ऑड है तो उल्टा पुट कर दो, कॉस को टू एक्स प्लस वन टी पुट कीजिए, तो मेरे पास कॉस का डेरिवेटिव जो है माइनस साइन जो है टू एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, और साथ में टू लगेगा और ये आ गया डी टी मेरे पास, तो क्या करें इस सारे की जगह पे डी टी वाई माइनस टू। अब मुझे एक साइन चाहिए, थ्री है तो कॉस स्क्वायर इसको अलग कर दे, सॉरी साइन स्क्वायर अलग कर दे, और एक साइन मैंने यहां पर रख दिया, ये तो एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर और साइन टू एक्स प्लस वन डी एक्स, अब पुट कीजिए वाले मेरे पास जो है वन माइनस टी स्क्वायर जो है, और यहां पर क्या आएगा मेरे पास डी टी बाय माइनस टू, यहां पर टी माइनस टी क्यूब बाय थ्री प्लस सी। अब टी को रिप्लेस कर, अब कॉन्सेप्ट तो आपको याद रखना है ना, कि अगर साइन की पावर ऑड है तो क्या करना है, कॉस की पावर ऑड है तो क्या करना है।
ये सारी एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है, सारी की सारी। ओके, अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, दोनों ही ऑड है, तो आप जिससे मर्जी कर लो बेटा, मेरे पास हो गए, ठीक है। और वन भी ऑड पावर पॉजिटिव है, तो यू कैन डू इट बाय एनी मेथड, एनी मेथड। आप चाहे साइन को टी पुट कर लो, चाहे जो है मेरे पास कॉस को टी पुट कर लो, दोनों से क्वेश्चंस हो जाए। ओके, क्लियर, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा सिक्स्थ क्वेश्चन है, सेवेंथ क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है, वन माइनस कॉस एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स, हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। अब अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, डिफरेंट फ्रॉम अदर, नाइन्थ क्वेश्चन में एक मेथड नहीं है क्वेश्चन करने का, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। मेरे पास हो गया इंटेग्रल कॉस एक्स ओवर वन प्लस कॉस एक्स डीएक्स, मुझे नजर आ रहा है ना वन प्लस कॉस एक्स, तो मेरे माइंड में एक ही चीज स्किप करती है, सॉरी आती है कि मैं वन ऐड करूं, मैं वन सब्ट्रैक्ट करूं, ये देखिए फिर मैंने सेपरेट कर दिया। इसका बेनिफिट देखना, ये तो कट गया, यहाँ इसका खलेरा तो खत्म हो गया, जो ऊपर कॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो खत्म हो गया। अब यहाँ वन माइनस, मैं इसको टू कॉस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल में कर दूं, उसका बेनिफिट क्या हो गया, ये सेकेंड स्क्वायर बन गया, और सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल तो तुम्हें पता है टेन एक्स होता है, और जो वन बाय टू है वो साथ नीचे आ जाएगा, वो टू बन जाएगा बस, और वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा। ये बार बार प्रैक्टिस से ही एक्सपीरियंस आपको पता चलता है कि ये कैसे करना और कैसे नहीं करना। ओके जी, क्लियर, सारे क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है, आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन 22, 23, तीन चार क्वेश्चन हैं, और ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आए हुए हैं, टुमारो आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है, बी रेडी विद दैट। और साथ में नेक्स्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मुलेज करेंगे नए, ठीक है, बस यही 3-4 फॉर्मुलेज मोर हैं क्वाड्रेटिक वाले, वो हम कल डिस्कस करें, ठीक है। ओके बेटा, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर, और